जिंदाबाद 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 जय एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो अमेरिका आवाज दो अमेरिका आवाज दो जय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो जोर जुल्म की टक्कर पर संघर्ष समारोह कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद नेपाल सिंह गंगवार अध्यक्ष संयुक्त कर्मचारी परिषद शाखा बरेली। आज व्यापार सेल टैक्स का जो यहाँ धरना हुआ, इस धरने में हम शामिल होने आए हैं। इनकी जो मुख्य मांग है रिस्ट्रक्चरिंग की है, जो विभाग में रिस्ट्रक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो भी बंदा विभाग में आया उसका प्रमोशन होना, आगे क्या कैडर है ये बिल्कुल होना चाहिए। और मैं बड़ा स्ट्रांग रूप से कहूँगा ये मांगें इनकी पूरी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आगे हम लोग संघर्ष करेंगे और हमारा प्रांतीय इसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। और हमारी मांगें हर हालत में पूरी होना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग जरूर होना चाहिए। इस विभाग की क्या किसी विभाग की, सभी विभाग की रिस्ट्रक्चरिंग होना चाहिए। और ख़ासतौर से सेल टैक्स वाले, चाहे कोई भी कर्मी हो इस विभाग का, सभी लोग होंगे। पूरे प्रदेश में ये चल रहा है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन, तो मेरी उम्मीद है कि सरकार मेरी बात को सुनेगी और आगे कुछ ना कुछ इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कितने दिवसीय धरना है आपका? ये अभी 2 दिवसीय धरना था, कल था और एक आज। अगर मांग पूरी नहीं होती क्या, तो आगे जो भी जैसा नेतृत्व मिलेगा, ऊपर से नेतृत्व जैसा आदेश करेगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये तब तक करेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। और सरकार को हम बताना चाहते हैं ये मांगे हमारी हर हालत में उन्हें पूरी करनी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मैं राजीव सक्सेना जी। क्या जिला शाखा बाड़ेश्वर विभाग का जिला अध्यक्ष। क्या मांग है? हमारी सबसे मुख्य मांग कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर है कि जैसा कि आप भी देते हैं कि जुलाई 2017 से देश में एक राज्य एक कर एक टैक्स के ऊपर हमारा GST लागू हुआ है। उसके बाद विभाग में मनोरंजन कर विभाग और वाणिज्य कर विभाग का मर्जी सम्मिलनीकरण भी हो गया है। लेकिन उसके बाद भी IIM द्वारा अपनी रिपोर्ट देने के बाद भी शासन द्वारा और सरकार द्वारा हमारे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करी जा रही है, जो कि बहुत आवश्यक है। इससे GST का काम भी बहुत बाधित हो रहा है और आप देख भी रहे हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा राजस्व की कमी भी आ रही है, इसको लेकर सरकार चिंतित भी है। तो हम लोगों का यह कहना है कि हम लोगों को सबको लॉगिन पासवर्ड दिया जाए, हम लोगों को कार्य दिया जाए, हम लोगों के पदों को उच्चीकृत किया जाए और हम लोगों का पदनाम चेंज किया जाए, जिससे कि हम और तन्मयता से काम कर सकें और देश में और राज्य और प्रदेश के राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ा सकें।